नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आज का हमारा विषय है नीति सौरभम, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक धीमही का चैप्टर 14 है। तो आइए एक नज़र डालते हैं शीर्षक पर, नीति सौरभम। बच्चों, नीति आप जानते हैं सिद्धांत, और सौरभम यानी महक, यानी सिद्धांत की महक। बच्चों, हम सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई सिद्धांत अवश्य बनाते हैं, जिसे हम अपने जीवन में न सिर्फ उतारते हैं बल्कि उनका अनुपालन भी करते हैं। ऐसे ही कुछ सिद्धांतों का निर्देश प्रस्तुत पाठ के माध्यम से ऋषि श्लोकों के माध्यम से आपसे करता है। आइए पढ़ते हैं श्लोक। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, जपतो नास्ति पातकम्, मौनेन कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम्, नास्ति जागृते भयम्। आइए बच्चों, अब नज़र डालते हैं श्लोक के अन्वय और अर्थ पर। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, अर्थात उद्योगे दारिद्र्यम् नास्ति। उद्योगे अर्थात परिश्रम करने रहने से या परिश्रम करते रहने से कभी दरिद्रता नहीं आती। दारिद्र्यम् नास्ति, परिश्रम करते रहने से कभी दरिद्रता नहीं आती। जपतो नास्ति पातकम्, और जप करने से पाप नहीं होता। जपतो पातकम् नास्ति, अर्थात जप करते रहने से पाप नहीं लगता या पाप नहीं होता। मौनेन कलहो नास्ति, मौनेन कलहा नास्ति, अर्थात मौन रहने से, चुप रहने से कभी भी कलह नहीं होता। नास्ति जागृते भयम्, और जागते रहने से किसी प्रकार का भय नहीं होता। अगर आप जागते रहेंगे तो आपको भय की आशंका नहीं होगी। एक बार पुनः श्लोक के अर्थ पर दृष्टिपात करते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यञ्च, अर्थात जो मनुष्य परिश्रम करता है, उद्योग करता है, उसे कभी भी दरिद्रता नहीं होती। जपतो नास्ति पातकम्, और जप करते रहने से कभी भी पाप नहीं लगता। मौनेन कलहो नास्ति, मौन रहने से, चुप रहने से कभी भी कलह नहीं होता। नास्ति जागृते भयम्, और जागते रहने से किसी प्रकार का भय नहीं होता। बच्चों, इस प्रकार से श्लोक के माध्यम से परिश्रम करते रहने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बच्चों, अब आइए दृष्टिपात करते हैं अगले श्लोक पर। अनुष्ठानेन रहिता पाठमात्रेण केवलम्, रंजति एव वा लोकम् किं तथा शुक विद्या। बच्चों, प्रसुत श्लोक के माध्यम से ऋषि का कहना है कि अनुष्ठानेन रहिता पाठमात्रेण केवलम्, अनुष्ठानेन रहिता पाठमात्रेण केवलम्, अर्थात जो आचरण से रहित केवल पाठ के द्वारा लोगों का मनोरंजन करता है, केवल पाठ के द्वारा और आचरण से रहित लोगों का मनोरंजन करता है। रंजति एव या लोकम, ऐसे तोते के समान विद्या से क्या लाभ। शुक विद्या तथा किम, अर्थात यदि हम पढ़ें और उसे अपने जीवन में ना उतारें और सिर्फ लोगों का मनोरंजन करते रहें तो इस प्रकार से प्राप्त की गई विद्या शुक विद्या के समान होती है। और ऐसी विद्या से, एक बार पुनः श्लोक को देखें अन्वय की दृष्टि से, या अनुष्ठानेन रहिता केवलम पाठमात्रेण एव लोकम रंजति, जो मनुष्य अनुष्ठान से रहित अर्थात आचरण से रहित पाठमात्रेण एव लोकम रंजति, केवल पाठ मात्र से या केवल पाठ के द्वारा लोगों का मनोरंजन करता है। तया शुक विद्या किम प्रयोजनम भवति, ऐसे तोते के समान विद्या से क्या लाभ होता है, अर्थात ऐसी प्राप्त की गई विद्या का कोई लाभ नहीं होता। अगला श्लोक देखते हैं। यथा बीजम बिना क्षेत्रम उत्पतम भवति निष्फलम, यथा बीजम बिना क्षेत्रम उत्पम भवति निष्फलम, जैसे बिना बीज के जोता हुआ खेत निष्फल होता है।
तया पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। उसी प्रकार परिश्रम के बिना भाग्य भी सफलता प्रदान करने में सहायक नहीं होता। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से ऋषि ने परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। यथा बीजम अर्थात जिस प्रकार से बिना क्षेत्रम उत्पन्न भवति, जैसे बिना बीज के जोता हुआ खेत निष्फल होता है। मान लीजिए खेत है और उसमें बीज नहीं पड़े, फिर भी कोई उसे जोत रहा है, उस पर हल चला रहा है, तो वो निष्फल ही होगा। तथा पुरुषकारेण बिना दैवम सिद्ध्यति, उसी प्रकार पुरुष परिश्रम के बिना भाग्य भी सफलता प्रदान करने में सहायक नहीं होता। अर्थात अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे अपने जीवन में तो आपका भाग्य कितना भी उज्ज्वल क्यों न हो, वो आपको सफल होने में सहायता नहीं प्रदान करेगा। अभिप्राय यह है कि भाग्य भी निरंतर परिश्रम करने वाले व्यक्ति का साथ देता है, कि भाग्य भी उसी मनुष्य को साथ देता है जो मनुष्य परिश्रम करता है। अगला श्लोक, अनुभवति ही मूर्धना पादपः, अनुभवति ही मूर्धना पादपः तीव्रम उष्णम शम्यति परितापम छाया संश्रितानाम, शम्यति परितापम छाया संश्रितानाम। अर्थात पेड़ बहुत ही घनी धूप अपने ऊपर धारण करता है। आप सभी ने वृक्ष और पेड़ देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि वो आतप सहते हैं, धूप धारण करते हैं, अपने सिर पर अपनी पत्तियों पर धूप को धारण करते हैं। जबकि यह धूप उन लोगों के लिए कम कर देता है जो कि पेड़ के नीचे आश्रय लेते हैं। शम्यति परितापम छाया संश्रितानाम, और उन लोगों के लिए वो ताप वो धूप परितापम वो धूप शम्यति शांत कर देते हैं, छाया संश्रिता नाम जो उसकी छाया में आश्रय लेते हैं या जो उसके नीचे आश्रय लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं वो तो उस पेड़ का आश्रय पा करके उसकी छाया में विश्राम करते हैं, लेकिन जो पेड़ होता है वो घनी धूप को अपने ऊपर धारण करता है। आइए एक नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। उद्योगे मेहनत में, दारिद्र्यंच गरीबी, कलह झगड़ा, जागृते जागने पर, अनुष्ठानेन कार्य या अभ्यास, रहिता बिना, पाठ मात्रेण केवल पढ़ने से, रंजति खुशी देती है, रंजती खुशी देती है, शुक विद्या तोते की तरह रटने से, उत्पम बोया हुआ, उत्पम बोया हुआ, निष्फलम व्यर्थ, निष्फलम व्यर्थ, पुरुषकारेण परिश्रम से, पुरुषकारेण परिश्रम से, दैवम भाग्य, दैवम भाग्य, मूर्धना सिर पर, परितापम तेज गर्मी, परितापम तेज गर्मी, छाया छाया से, छाया छाया से, संश्रिता नाम आश्रय लिए हुए लोगों के लिए। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।